यूपी के फतेहपुर जिले में चित्रकूट धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां तक बुलडोजर की बात है, बीजेपी यह बताए कि वह अपने नक्शे कब ठीक करेगी। बीजेपी का 4 सालों में नक्शा बदल गया, गड्ढा क्यों नहीं भरा, सड़क क्यों नहीं ठीक कर पाए, जो घर तोड़वाए जा रहे हैं, हमारा घर है, दादा परदादा ने बनवाया है, जो बुलडोजर वाले तोड़ने जाते हैं, इनका एड्रेस पता निकालिए, इनके खुद के घर के नक्शे नहीं हैं, कानून से घर कौन बनवाता है, केवल जनता का ध्यान बटाने के लिए, केवल उन लोगों को चिन्हित जिनसे उनका पॉलिटिकल लाभ उठा सकें, इसलिए बुलडोजर चलवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कामतानाथ दर्शन के सवाल पर कहा कि हम कामतानाथ दर्शन करने इसलिए गए थे कि हमारी सरकार बने और सभी साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने वैक्सीन पर कहा कि वैक्सीन आना जरूरी है, दुनिया की एक्सपर्ट व साइंटिस्ट वैक्सीन हम जल्दी से जल्द बना लें और जल्द से जल्द जान बचाई जा सके। अगर वैक्सीन कारगर है तो होड़ किस बात की है, अपने देश में वैक्सीन वाले ही आपस में लड़ गए। उन्होंने कई प्रकार से बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। यमुना के अंदर मशीनें चल रही हैं, अपनी आंखों से देखा है, आप मत बताओ। 5 लाख का जुर्माना किया गया, इस कार्रवाई को कितने जरिए देखते हैं? ये मुझे लगता है जैसे जैसे सरकार का समय खत्म होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, झूठ बोलना और बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। जैसे आप जानते हो, हम जानते हैं, जब दीपक बुझता है तो लौ बहुत उठती है। तो ये चुनाव करीब आ रहा है, भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगी ये भारतीय जनता पार्टी, लोगों पर अपमानित करने का काम और करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है। सर, बुलंदशहर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई, उसमें किसको दोषी मानना है, उसमें किस तरीके से? जहरीली शराब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिक रही है। जहरीली शराब का कारोबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलजुल करके अधिकारी और उनके नेता ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इसमें जिम्मेदार हैं, वही कारोबार चलवा रहे हैं। हम आपके उन्होंने कहा हम तो नहीं लगवाएंगे इसको, और आपको जल्दी किस बात की है वैक्सीन निकालने की? आपको क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए, आपने वैक्सीन निकाल दी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये सेफ समझते हैं तो उनके मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं? और फिर हम जानना चाहते हैं कि वैक्सीन अगर आ रही है तो कितने दिन में वैक्सीन लग जाएगी उत्तर प्रदेश में, और गरीबों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन के नहीं मिलेगी, ये सरकार बताए। और दूसरा, ये जो ड्राई रन हो रहा है, आप पत्रकार लोग हैं, आपका जानते होंगे ड्राई दिन भी होता है कभी कभी, क्या ड्राई दिन है? ये भाषा यही तो है ना कि यार ड्राई दिन है, ड्राई मौसम है, इनकी भी ये जो योजना है वो ड्राई योजना है। ये बताइए आप फतेहपुर में कितना बजट आया है बताइए इसके लिए, फतेहपुर में क्या बजट आया है इसके लिए, जो वैक्सीन रख रखाव होगी, ट्रेनिंग कहाँ दी, जानकारी कहाँ दी, वैक्सीन की जानकारी कहाँ दी? और वो तो साइकिल पे वैक्सीन लेके जा रहे हैं, वो तो आपने देख लिया ड्राई रन में। तो ये सरकार कोई तैयारी नहीं कर रही है, केवल झूठ बोल रही है, इसलिए झूठ बोलने वाली सरकार से हमें आपको बचाइए। सर, महाराष्ट्र सरकार से हमें आपको बचाइए। सर, महाराष्ट्र में 10 बच्चे जल करके मर गए हैं, उसमें क्या कहेंगे जबकि वहाँ पे कांग्रेस की और वहाँ पे शिवसेना? दुख है कि इस बात का कि जो बच्चों की जान गई है, और मुझे लगता है कि जिन कारणों से जान गई है उन कारणों का निस्तारीकरण होगा, निराकरण होगा समस्या का। मंत्री मोहसिन रजा का कल बयान है कि अब आपको रामलला की अब याद आई है, ये कौन है, ये कौन है? और जहाँ तक भगवान की बात है, आप सब जानते हो समाजवादी पार्टी दिखावा नहीं करती किसी भी चीज का। हम किस पे भरोसा करते हैं, किस पे आस्था है, हम क्या पूजा पाठ करते हैं, इसका दिखावा समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। हमारा घर परिवार है, हमने ये काम पूरा अपना पूरा का पूरा पूजा पाठ की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे दी है। मुझे पता लग जाता है कि बृहस्पति किस दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको जिम्मेदारी है बताओ? ये केवल वोट के लिए कर रही है, और भगवान तो सबके हैं। सब उनसे कहिए कि विकास कब करोगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि उन्होंने ये कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, MSP मिली नहीं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि वो MSP दें,
जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। ये आरोप लगाते हैं कि जो विपक्ष है, जो हम लोग हैं, हम लोग किसान नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हम बैठे हैं, हमारे परिवार की खेती है, धान पैदा करते हैं, ये बैठे हैं, इनका भी धान होगा, ये खेती है, ये खेती है, ये जितने लोग खड़े हैं सबकी खेती है, तो ये किसान भी है, समाजवादी भी है और राजनीति भी कर रहे हैं। तो आखिरकार MSP के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों तैयार नहीं हो रही है? और कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर के ये कानून बने हैं कि आने वाले समय में पूरे का पूरा खेती पे कंट्रोल उद्योगपति का हो जाए। इस कानून का विरोध करेंगे, लगातार करेंगे और 12 तारीख को सरकार मांगी है और जितने मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने कहा आपकी सरकार बने, आशीर्वाद मिल गया, सब ने दिया। इसलिए आशीर्वाद दिया कि जो काम नेताजी ने और हमने किया उसके अलावा इस सरकार ने एक काम नहीं किया, वहाँ पर कोई काम नहीं किया इस सरकार ने। बताया बसपा क्या आपके साथ रहेगी? छोटे दलों को सबको दूसरी बात को लेकर के, तो इसलिए ये जो घर गुड़ाए जा रहे हैं, ये जितने लोग हैं, हमारा घर है, दादा परदादा ने बनवाया, यहाँ जो बैठे हैं इनके बहुत सारे लोगों के गांव के घर हैं, ये जो तोड़ने जाते हैं बुलडोजर वाले, इनके एड्रेस पता निकालिए, इनके खुदों के घर के नक्शे पास नहीं है। तो क्या लग रहा है? क्योंकि गांव में आबादी पर, शहर में तो आप जानते हो, अगर फतेहपुर में मीटर नाप के चले न जाने कितने अवैध कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, काम यही चलेगा, एक मिनट, न जाने कितना दिखाई देगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कानून से कौन घर पर आता है? क्या कर रही थी अथॉरिटी? इसलिए केवल जनता का ध्यान बटाने के लिए और केवल उन लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जिनसे उन्हें पॉलिटिकल लाभ उठा सकें, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे, न उनका नक्शा ठीक हुआ है 4 साल में और जनता तैयार है उनका नक्शा ठीक करने के लिए। क्या लग रहा है सरकार आपकी आते ही इस तरीके के कार्य आपके उसमें भी होंगे? समाजवादी पार्टी कानूनी काम करती है तो नक्शा ठीक जनता करेगी इनका। और दूसरा वैक्सीन की बात, आज ही अखबार में